अभी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। जानवी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो झूठ होगा, लेकिन हाँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, जानवी, आई एम सॉरी फॉर दैट, मगर आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम बस खुश रहो और प्लीज अपने हेल्थ का ध्यान रखो। तुम कुछ नहीं कहोगी? जानवी प्लीज, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम खुद अपना ख्याल नहीं रखोगी, अपने आप को नहीं संभालोगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज जानवी, डोंट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर मी। मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। तो मैं चाहती थी, जाने कब से साकी इज रेडी टू एक्सेप्ट मी, मैं साकी को नहीं खो सकती। आई जस्ट कांट। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता ना कि ये टैबलेट्स कितनी महंगी हैं? और तुम इन्हें जमीन पर फेंक रही हो? क्यों? क्योंकि मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। सागर मेरे पास वापस आ गया, अब हमारी अपनी फैमिली होगी, समझे? तो अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे चला जाओ भाभी? इतनी जल्दी तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, ये टैबलेट्स तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। नो, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जस्ट वेट। ये धमकी किसी और को देना, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि सागर को सब कुछ बता देगी और सागर तुझे अपना लेगा? भूलो मत कि तुम्हारे सारे सीक्रेट जानता हूं मैं। अभी जाकर अगर सागर को सब कुछ बता दिया ना कि गंगा का MMS तुमने बनवाया था, तो फिर देखते हैं कि कौन साथ देता तुम्हारा, मेरा पति सागर या फिर ये टैबलेट्स। तुम क्या बताओगे? मैं खुद सागर को सब बता दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी सागर को फोन करती हूँ, अब नहीं बचोगे तुम, जेल जाओगे तुम, समझे? हाँ जानवी, बोलो। सागर, सागर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बात करनी है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ, आर यू ऑल राइट? सागर प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ, फिर बताती हूँ मैं। ओके जानवी, आई एम कमिंग। तुम्हें क्या लगता है तू सागर को वो MMS वाली बात बता देगी और सागर तुझे अपना लेगा, छोड़ देगा तुम्हें? मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। सागर से सच छुपाकर उसे अपना तो नहीं बना सकी, शायद सच बताने में वो मुझे माफ कर दे। हाँ, मैं सागर को सब बता दूंगी, अब मैं तुम्हारी बातों में और नहीं आने वाली। गेट आउट, जस्ट गेट आउट यश। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।